गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजीत मिश्रा, आई एम टीचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें भारत और समकालीन विश्व 2 चैप्टर नंबर 1 है। ये इतिहास का पोर्शन है, ठीक है। हम एक एक करके सभी जितने भी इतिहास के आपके पोर्शन हैं, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इसके अलावा जो दूसरे हैं वो हम वन बाई वन लेते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कुछ हमने पढ़ लिया था, नए शब्द जान लिए थे, निरंकुशवाद और कल्पना दर्श। इसके अलावा आगे चलते हैं, हमें पढ़ना था ये अस्टन रेनन, राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक अस्टन रेनन ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को विकसित प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। विश्वविद्यालय कौन है? सोबोन विश्वविद्यालय में अस्टन रेनन ने क्या कहा, राष्ट्रवाद क्या है, उसकी व्याख्या दी है। बाद में यह व्याख्या क्या हुई, प्रसिद्ध हो गई और निबंध के रूप में छपने लगी, जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सी क्वा उन नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत और महान पुरुषों के नाम और गौरव, और यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। मतलब राष्ट्र क्या है, लंबे प्रयासों, अगर बात करें राष्ट्र कैसे बना, हमारा देश कैसे बना, हमारी इंडिया की अगर बात करें ये कैसे बना, तो इसमें 200 साल की जो आज़ादी है, गुलामी है, उसके बाद हम आज़ाद हुए हैं, हमें आज़ादी 200 साल के बाद मिली है, ठीक है ना। और कितने प्रयासों से हमें मिली है आज़ादी, ठीक है ना। न जाने कितने हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनको जेल में डाला गया, उनको मारा पीटा गया, उनका यहाँ तक कि हत्या भी कर दी गई है ना। जलियावाला बाग हत्याकांड आप जानते होंगे। तो इसके लिए लंबे प्रयास किए गए हैं और बहुत कठिन प्रयास किए गए हैं। आप जानते होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को, इनको आप जानते होंगे। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी है, ठीक है ना। किसके लिए? देश और देश की आज़ादी के लिए। त्याग, निष्ठा और की चरम बिंदु होता है। तो त्याग और निष्ठा, इन्होंने त्याग इन्होंने किया और अपने देश के लिए इनके अंदर निष्ठा थी, इनके अंदर शौर्य था, शौर्य और वीरता भी होती है, ठीक है ना। ये महान पुरुष होते हैं और साथ में जो हमारे देश का गौरव है, आज हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, तो हम गौरवान्वित अपने आप को अनुभव करते हैं। महात्मा गांधी की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, एक से एक ऐसे वीर हुए हैं। इसके बाद अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, तो इसमें साथ मिलकर लोग महान काम करते हैं। हमारा इतिहास भी गौरव से भरा रहा है, ठीक है, एक से एक वीर हुए हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप की बात करें या जो आने वाले पर्टिकुलर जो उस समय के जो राजा हुए हैं, ठीक है ना, उनकी बात करें तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ त्याग किया है। शिवाजी की बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र का होता है एक बड़ा और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, एंड उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं, और अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह है निवासी है। मतलब हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं, हमसे राय ली जाती है, हमसे क्या किया जाता है, हम जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हम चुनते हैं, विधायक हम चुनते हैं, ठीक है ना। हमसे सलाह ली जाती है कौन सही विधायक होगा जो आपके विकास करेगा, आप एजुकेशन, शिक्षा ये सब देगा, उसको आप वोट करिए, तो हमें अधिकार प्राप्त है।
किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा करना एक राष्ट्र के वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो कोई राष्ट्र थोड़ी सोचता है कि हम किसी पर कोई हम पर अधिकार करे, हम किसी पर विलय हो जाए, मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह जरूरत भी है कि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून है, उसका एक मालिक होता, तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। सही है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए। एक धर्म, एक जाति, एक ही विचार सबके ऊपर थोप दिया जाए तो फिर ये तो फिर स्वतंत्रता कहाँ रह गई। ये तो आपको एक विचार के साथ ही जीना होगा, है ना। अगर बात करें, कुछ धर्म ऐसे हैं जिन्हें एक ही धर्म, वही धर्म सबको फॉलो करना है, हैं, कोई विचारधारा ही नहीं, कुछ आप बोल ही नहीं सकते, बस वही कानून है, ठीक है ना, जंगलवाद वाला कानून। तो ऐसा कानून नहीं चलेगा। नए शब्द जनमत संग्रह, इसका अर्थ क्या होता है चलिए देख लेते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह क्या होता है कि मतदान, है ना, मतदान किया जाता है, और प्रत्यक्ष मतदान भी होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष मतदान भी होते हैं। चर्चा करें, रैनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें, जो आपको विवरण देना है। चलिए आगे बात करें, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ध्यान से देखते भी रहेंगे तो मेरी बातें समझ में आती रहेंगी आपको, है ना। बाकी यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर ही आपको जो आपकी बुक है उसके प्रॉपर लगा रखा है चैप्टर। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनके प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। पहले फ्रांस में क्या चलता था, राजतंत्र चलता था, ठीक है ना। राजा किसी एक इंसान का शासन था, वो निरंकुश था, है ना, सब पर पर्टिकुलर एक राजा का जो विचारधाराएं होती थी, जो नियम रूल रेगुलेशन होते थे फॉलो करने पड़ते थे, राजा के नियम बनाए हुए नियम, यानी एक व्यक्ति के बनाए हुए नियम। इस फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, ये सबको चेंज कर दिया और राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे किसकी राजतंत्र निकलकर और लोकतंत्र में बदल गया, ठीक है। यानी राजा का जो तंत्र था, जो राजा के हाथ में ताकत थी, वो अब किसके हाथ में आ गई, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इनकी नियति तय करेंगे, मतलब अब लोग ही इस देश की नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे, जैसे हमारे यहाँ देश में क्रांतिकारी हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारी भी हुए हैं। उन्होंने भी जो राजतंत्र था उसके विरोध आवाज उठाई और जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आई, फ्रांसीसी लोगों के हाथ में आई, और फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान बनाई, है ना। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार बदल दिया। पितृभूमि मतलब मातृभूमि जलते हैं, पितृभूमि बोलते हैं, मतलब ऐसी हमारी भूमि, जन्मभूमि, जिसमें हम जन्म लेते हैं और वहाँ के नागरिक हैं। ऐसे विचार ने क्या किया, संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जैसे हमारे देश में पहले अंग्रेजों का राज था, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए हमने लड़े, और ये हमारे अंदर यही मातृभूमि के प्रति भावना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और अपनी माँ के लिए हम बलिदान भी दे सकते हैं, है ना, बलिदान ले भी सकते हैं किसी का। चलिए आगे बात करें, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों ने अपना एक सामूहिक झंडा जो
तिरंगा झंडा, जैसे हमारे इंडिया का तिरंगा झंडा है वैसे उन्होंने भी फ्रांसीसी झंडा अपना स्वीकार किया, चुना उसे और उसे राष्ट्रध्वज ध्वज की जगह मिली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और नई स्थितियां रची गईं, शपथ ले ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है ना, वही चीज़ें हुई जैसे अपने देश आज़ाद हुआ उसके बाद नए कानून बने, असेंबली चुनी गई हमारे देश की भी, शहीदों का गुणगान हुआ, शपथ ली गई। आज भी हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको हम क्या करते हैं, आज भी याद करते हैं। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। एक संविधान एक्सेप्ट किया गया सबके द्वारा और कानून एक्सेप्ट किया गया और कानून बनाया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा बन गई। तो फ्रेंच में क्या है, जो छोटी बोलियां थी या जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी बोली और मतलब पेरिस में फ्रेंच बोली जाने लगी। फ्रेंच पेरिस क्या है, फ्रेंच का एक फ्रांस का एक क्या है कैपिटल या शहर कह सकते हैं आप। तो वहाँ पर क्या बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी और लिखी भी जाती थी, है ना, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी, वही ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी उस राष्ट्र की बन चुकी थी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे बने जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।